अस्सलामुअलैकुम, आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत दिगर फरीकीन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर सरदार अकबर डोगर की जानिब से दायर दरख्वास्त पर जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दरख्वास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया था कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 10 जून को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक सरकारी नतायज का ऐलान 14 जून को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आइनी है। मुल्की टेक्सटाइल बरामदाद 9 माह में 14 अरब डॉलर तक बढ़ गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदाद 9 माह में 14 अरब डॉलर तक बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदाद में रवा माली साल के दौरान 25.43% इजाफा हुआ। मुल्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर दोबारा बहाल हो गई। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदाद से मुल्की खजाने को अरबों डॉलर का फ़ायदा होने लगा। रवा माली साल के दौरान टेक्सटाइल बरामदाद में 14.2 अरब डॉलर तक इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में टेक्सटाइल की कौमी बरामदाद में 2.88 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सूती धागे की बरामदाद में 25.9% इजाफा हुआ। खाम रुई की बरामदाद 0.5 मिलियन डॉलर से बढ़कर 6.5 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। सूती कपड़े की बरामदाद में 26.5%, नेटवेयर्स की बरामदाद में 34% और बेडवेयर्स की बरामदाद में 19.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल में तौलिया की बरामदाद 18.2%, जबकि मुतफरिक टेक्सटाइल्स मसनूआत की बरामदाद 20% बढ़ी। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ में ताखिर, तौहीन अदालत के असरात आ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक और एडवाइस भिजवा दी। कहा कि वज़ीर आला पंजाब के हल्फ में ताखिर से तौहीन अदालत की कार्रवाई के असरात आ सकते हैं। एडवाइस के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला के हल्फ के लिए नुमाइंदा नामजद करें। सूबा पंजाब 23 रोज़ से बगैर हुकूमत के चल रहा है। आइनी उमूर को मज़ीद तआतुल का शिकार नहीं किया जा सकता। परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर्स और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर्स और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल किया है। शुएब अख्तर की सचिन को सालगिरह की मुबारकबाद पर शान क्यों खफा हो गए। इमरान खान की हिमायती अदाकार शान शाहिद कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। शुएब अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक भारतीय लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ट्विटर पर सालगिरह की मुबारकबाद और उनके लिए खसूसी पैगाम जारी किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में सचिन तेंदुलकर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इस ट्वीट पर शान शाहिद ने रद्द अमल दिया और शिकवा किया कि वाह भाई, इनकी सालगिरह तो आपको याद है, लेकिन गुज़िश्ता वर्ष 5 अक्टूबर को इमरान खान की सालगिरह आपको याद नहीं रही। अदाकार ने कहा कि इमरान खान की सालगिरह पर आपके ट्विटर अकाउंट पर उनके लिए कोई पैगाम सामने नहीं आया था। ताहम शान शाहिद की इस तनकीद पर ताहाल शुएब अख्तर का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। शान शाहिद की ट्वीट पर मारूफ कॉमेडियन और मेज़बान मुस्तफ़ा चौधरी ने जवाब दिया और लिखा कि भाई, क्या ये ICC की किताब में लिखा है कि खान साहब की सालगिरह पर मुबारकबाद देना लाजमी है। जवाब में अदाकार ने कहा कि भाई सचिन को दे रहे थे तो सोचा कि शायद खान साहब भी याद हों, आप बॉलर तो नहीं लेकिन फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। पुलिस अहलकारों को कत्ल करने की कोशिश करने वाले 2 मुल्ज़िमान हलाक। पेरिस में पुलिस अहलकारों ने फायरिंग करके 2 कार सवारों को हलाक कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक पुलिस का बताना है कि ड्राइवर ने कार पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की थी, जबकि गाड़ी ट्रैफिक की सिमत के मुखालिफ चलाई जा रही थी। पुलिस एहलकारों के कत्ल की कोशिश के इल्ज़ाम में वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। PTI का एहतजाज का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने PTI की जानिब से एहतजाज के ऐलान के बाद सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला किया है।
पीटीआई के मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जिले दफातर की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास तल कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा जाएगा। सूबाई और जिले दफातर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों को खत लिखेगा। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर समाअत का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 27-29 अप्रैल होगी। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कराची में 100 मेगावाट का साइड बिजली घर ना चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। प्लांट गैस ना होने की वजह से बंद कर दिया गया है, जबकि डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की सूरत हाल में बेहतरी आई है, तहम के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग में कमी के दावे कहीं दिखाई नहीं दिए। रोजेदार बदतरीन लोड शेडिंग से हलकान हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 16 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। इसके अलावा कई इलाकों में रही सही कसर गैस किल्लत ने पूरी कर डाली है। सरजानी में पुलिस मोबाइल खातून की टांगों पर चढ़ गई। सरजानी टाउन में पुलिस मोबाइल खातून की टांगों पर चढ़ गई, जिससे खातून शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक एक प्लॉट पर दो ग्रुपों के दरमियान तनाजा चल रहा था, जहां एक ग्रुप मुतनाज़े प्लॉट पर तामीरात कर रहा था। अदालती हुकुम पर पुलिस तामीरात को रुकवाने के लिए पहुंची, तो इलाका मकीनों ने तामीरात रुकवाने के लिए आने वाले अहलकारों पर पथराव किया। पुलिस का कहना है कि अहलकार खुद को बचाने के लिए मोबाइल में सवार होकर भागने लगे, तो खातून जद में आ गई। मुतासरा खातून को मेडिकल के लिए लेटर दे दिया है, ताहाल मुतासरा खातून मेडिकल रिपोर्ट लेकर नहीं आईं। पुलिस का कहना है कि अहले खाना चाहेंगे तो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर हादसे का सबब बनने वाले अहलकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि इस सिलसिले में तहकीकात भी जारी है। अगर पुलिस मोबाइल के ड्राइवर की गफलत साबित हुई तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ईद पर कैदियों की सजा में कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पर कैदियों की सजा में 2 माह कमी और जेल रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ारत-ए-उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद पहली बार लाहौर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोर्ट लखपत का दौरा किया, जहां उन्होंने ईद के मौके पर कैदियों की सजा में 2 माह कमी और वज़ीर दाखिला की सरबराही में जेल असलाहत के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा शहबाज शरीफ जौहर टाउन रमजान बाजार भी पहुंचे और सहूलतों का जायजा लिया, जबकि उन्होंने जाति उम्रा में अपने वालदैन की कब्रों पर फातिहा खवानी की और मरियम नवाज से मुलाकात भी की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।